हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के जॉब ऑफर के बारे में जो कि किसी भी रीज़न की वजह से फुल टाइम परमानेंट जॉब नहीं कर पाते हैं और यू वांट टू हैव सम अदर सोर्सेज ऑफ अर्निंग, यू नो। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो काम है वो आपका पार्ट टाइम जॉब वर्क फ्रॉम होम है बाय टेस्ट बुक फॉर सम काइंड ऑफ डेटा एंट्री और डेटा टाइपिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आ चैनल टू, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो। तो शुरुआत में करूँगी आपके मेन मोटिव पे स्केल को लेकर, ठीक है। तो जो आपका पे स्केल रहेगा वो डिपेंड करेगा आपके वर्किंग आवर्स पे, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ आपका जो जॉब टाइप है वो आपका पार्ट टाइम जॉब है, तो जितने घंटे आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पे मिलेगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप। तो पर आर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप 200 से 300 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज़ अगर आप एक दिन में 5 घंटे भी काम करते हैं तो 200 से 300 के अकॉर्डिंग आप अप्रॉक्स 1500 तक पर डे कमा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पूरे महीने काम करते हैं वही 5-5 घंटे लेकर तो आप अप्रॉक्स 45,000 तक अर्न कर सकते हैं। आई थिंक इट्स यू नो इट्स मोर देन अ गुड डील, अच्छा खासा आप अर्न कर रहे हैं वो भी पार्ट टाइम जॉब से। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो अपार्ट फ्रॉम योर जॉब ये एक अलग तरीके से अर्निंग है आपकी, यू नो, एक्स्ट्रा अर्निंग। तो मैं बता चुकी हूँ आपका जो काम रहेगा वो वर्क फ्रॉम होम रहेगा, यानी कि आप जितना भी ये सारा पैसा है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं बात करती हूँ आपके क्वालिफिकेशंस को लेकर, तो जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन हिंदी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड, डजंट मैटर, ठीक है। बस आपके पास हिंदी की कोई डिग्री होनी चाहिए, या तो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं, यू मस्ट हैव सम वर्किंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस से मेरा मतलब है आपका एक्सेल और आपका एमएस वर्ड, यानी कि इसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बात करती हूँ आप अगर आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, तो आपका जो काम है वो कुछ आपका डेटा टाइपिंग या डेटा एंट्री जैसा रहेगा, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके ट्रेंडिंग क्वेश्चंस या फिर उनका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से आ रहा है या फिर जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, ये सारे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को मिलाकर सारा डेटा आपको कलेक्ट करना है और इस पर आपको वर्क करना है, ठीक है। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, और अप्लाई करने के लिए आपके स्क्रीन पे दी गई वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, और इसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउज़र में जाना है, गूगल ब्राउज़र में जाके आपको टाइप करना है studyfordreams.in। तो studyfordreams.in जब आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप लैपटॉप या फिर आप डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है क्योंकि आपको सेम इंटरफेस दिखेगा। इनकेस अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लीजिए ताकि यू नो सेम इंटरफेस आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है स्टडी फॉर ड्रीम्स होम का, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी जो डिस्प्ले है वो शो होगी। तो यहाँ पर आपको टेस्ट बुक का पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन मिल जाता है। इन केस अगर आपको नहीं दिखता है तो यहाँ पे आपको राइट साइड में सर्च का ऑप्शन भी दे रखा है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। सपोज अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया तो कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आती है, और जैसे ही मैंने इस नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो यह वेबसाइट जो है वो खुल के आ जाती है। तो ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इन केस अगर आपसे कुछ स्किप हो जाता है या कुछ आप और उसमें कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लिंक दिख जाते हैं। आपके अप्लाई करने के लिए जो पहला वाला लिंक है इस पर आपको जाके अप्लाई करना है। तो थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आते रहें और आपको अपडेट करते रहें रिगार्डिंग योर जॉब्स। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।